हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रेलवे गेम स्टार। तो यार, काफी दिन बाद हम लोग चेन्नई एग्मोर स्टेशन पे वापस आ चुके हैं। और यार, मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं इस गेम को दोबारा से काफी दिन बाद खेलने के लिए। वैसे गाइस, फिलहाल तो आप लोग बताओ कि आपके एग्जाम्स वगैरह कैसे बीते। और बाकी हम लोग आज एक नए सिनेरियो के साथ में वापस आ चुके हैं। तो गाइस, आज हम लोग खेलने जा रहे हैं 22675 चोलन सुपर फास्ट एक्सप्रेस, जो कि काफी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेन है गाइस। यानी चेन्नई एग्मोर स्टेशन से ये ट्रेन स्टार्ट होगी और विल्लुपुरम स्टेशन पे जाकर ये खत्म हो जाएगी। तो इसके बीच में बस कुछ चार ही हॉल्ट्स आते होंगे। लेकिन यार, जो प्रॉब्लम है ना, इस ट्रेन का जो लोकोमोटिव दिया गया था वो हो चुका है फेल्ड। और यार, हम लोग EMD लेके उस साइड पे खड़े हुए थे, तो हम लोगों को बोला गया कि यार जाओ यार, जाकर रेस्क्यू करो चोलन एक्सप्रेस को और उसको अपने गंतव्य स्थल तक लेके जाओ। तो बस और क्या, हम लोग भी जल्दी से आगे आकर हमारे EMD को इस चोलन एक्सप्रेस के साथ में आकर अटैच कर लिए। लेकिन हम लोग को यहाँ से डिपार्ट करना है 7:15 पे, यानी 3 मिनट के अंदर अंदर हम लोग उस ट्रेन को स्टेशन से निकल सकते हैं। लेकिन एक सेकेंड यार, कोई ट्रेन आ रही है क्या? ये देखो गाइस, शायद से कोई ट्रेन का अराइवल चल रहा है अभी चेन्नई एग्मोर स्टेशन पे। मैं देखने की कोशिश करता हूँ कौन सा ट्रेन है। 12694 पर्ल सिटी सुपर फास्ट एक्सप्रेस। तो गाइस, पर्ल सिटी सुपर फास्ट एक्सप्रेस का शानदार वाला क्रॉसिंग आप लोग देख लीजिए। वाह यार, वैब 7 जी, आपने तो दिल ही खुश कर दिया। एकदम स्टेशन पे एंटर करते हुए आपने हॉन्क मार दिया यार। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है यार किसी ट्रेन लवर्स के लिए। अच्छा, ये देखो गाइस, ये LHB के अवतार में ये ट्रेन है। वैसे यार, आप लोगों में से किसी ने इस ट्रेन पे जर्नी किया है क्या पर्ल सिटी? यार, हम लोग भी बहुत जल्द करने वाले हैं पर्ल सिटी पे जर्नी। मतलब मैं गेम के बारे में बात कर रहा हूँ, रियल वर्ल्ड नहीं। और बाकी यहाँ पे ये बंदे लोग घड़ी वगैरह देख रहे हैं। किस लिए घड़ी देख रहे हैं आप लोग? कहाँ जाना है वो तो पता नहीं। बाकी यार, यहाँ पे सिग्नल भी हम लोग को अभी मिला नहीं है, क्योंकि यार 3 मिनट का टाइम है ना। तो मुझे जहाँ तक लगता है ये पर्ल सिटी जैसे अराइव कर जाएगी, उसके बाद जाकर हम लोगों को आगे जाने का सिग्नल मिल जाएगा। बाकी यार, जो वेदर है आज का, वो आप लोग देख ही सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ वाली बारिश हो रही है। अब यार, हमारे राइट साइड की अगर बात करें, अच्छा वहाँ पर वो ट्रेन रुक रही है क्या? मेरे को ब्रेक का साउंड आ रहा है। और गाइस, देखते ही देखते हम लोगों को आगे जाने का सिग्नल मिल चुका है। आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं, येलो सिग्नल हम लोगों को मिला है आगे जाने के लिए। तो अभी हम लोग डिपार्ट करेंगे बस कुछ ही देर में, 1 मिनट बाकी है गाइस। एक काम करते हैं, हम लोग ना कैब के अंदर में चलते हैं। हमारे EMD से हम लोग को कंट्रोल करना है ना ट्रेन को। जल्दी से EMD का इंटीरियर वगैरह सब कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 प्रेस करते ही हम लोग आ चुके हैं EMD के इंटीरियर पे। बाकी अब लोग इंटीरियर तो देख ही सकते हो कि कितना ज़्यादा मस्त तरीके से इंटीरियर को डिज़ाइन करके रखा गया है। और ये यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स वगैरह है। वैसे यार, काफ़ी दिन देखने के बाद में ना मेरे को भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है। मतलब मैं भूल चुका हूँ कि आखिर कौन से कंट्रोल्स किस साइड में थे। एक काम करते गाइस, हम लोग अभी उल्टे डायरेक्शन पे हैं, तो हम लोग को शायद पीछे वाले कैब में जाना है। तो चलो यार, देर किस बात की, अभी हम लोग बाहर के साइड में आ चुके हैं और अभी हम लोग चलते हैं सामने के साइड वाले कैब में। तो फाइनली आ चुके हैं हम लोग सामने के साइड वाले कैब में, और शायद से गाइस अभी डिपार्चर का वक्त बस होने ही वाला है। अच्छा, हो भी चुका है, तो फिर देर किस बात की। चलो जल्दी से लंबा सा हॉर्न बजाते हैं, उसके बाद हम लोग ब्रेक रिलीज करेंगे। लेकिन उससे पहले एक सेकंड गाइस, आप लोग ज़रा यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको मैं दिखाता हूँ। एक सेकंड रुक जाओ, एक ट्रेन का ना यहाँ पे अराइवल चल रहा है। लोकल ट्रेन है गाइस, उसका अराइवल यहाँ पे चल रहा है, जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुका है। अच्छा, अभी एक काम करते हैं, जल्दी से डिपार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोगों को यहाँ पे ब्रेक्स वगैरह को रिलीज करना पड़ेगा, फिर करेंगे हम लोग रिवर्सर को फॉरवर्ड पे और फिर यहाँ से हम लोग डिपार्ट करेंगे। अच्छा, ब्रेक्स वगैरह कहाँ चला गया? ये रहा ब्रेक्स। ब्रेक्स हमने रिलीज कर दिया है, रिवर्सर को हमने कर दिया है फॉरवर्ड पे, और अभी हॉर्न बजा के हम लोग यहाँ से डिपार्ट करते हैं गाइस। तो गाइस, अभी हम लोग डिपार्ट कर रहे हैं चेन्नई एग्मोर स्टेशन से। वैसे किस प्लेटफॉर्म पे हम लोग थे अभी, क्या आप लोगों ने नोटिस किया? अगर नोटिस किया होगा तो बताना फिर कमेंट्स में। लेकिन एक सेकंड गाइस, आप लोग ये चीज़ नोटिस किए क्या? हम लोग का ना अभी इस ट्रेन के साथ में हल्का फुल्का सा पैरेलल रन सा हुआ। वैसे मैं आपको ढंग से दिखा नहीं पाया, अब देखने वाली बात ये है कि आगे जाकर क्या हम लोग को और पैरेलल रन देखने को मिलने वाला है क्या। अब वो तो यार आगे जाके पता चलेगा। लेकिन यार, बारिश में ना ऐसे ट्रेन चलाने का कुछ अलग ही मजा आएगा गाइस, क्या कहते हो? हम लोग थ्रॉटल को पूरा 0 पे कर दिया है फिलहाल तो, क्योंकि स्पीड लिमिट यहाँ का 20 KMPH का है, तो ज़्यादा तो स्पीड हम लोग करेंगे नहीं। वैसे इस स्टेशन का भी नज़ारा काफ़ी कुछ था दिखाने के लिए, मैं आपको वो दिखा नहीं पाया। एक सेकंड रुक जाओ, मैं कोशिश करता हूँ आपको अच्छे से दिखाने की। अच्छा, ये यहाँ पे कुछ ICF ट्रेन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और इस साइड में तो पर्ल सिटी एक्सप्रेस है जो कि अभी कुछ देर पहले अराइव की हुई है। और अगर बाहर के नज़ारे के बारे में बात करें, ये देखो गाइस, जो बिल्डिंग है वो किस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है, काफ़ी मस्त और बेहतरीन रूट को बनाया गया है गाइस। और बाकी जो आज का सिनेरियो है वो 44 गेमिंग ने बनाया है। अगर बुरा ना माने तो आपका नेम ज़रूर से बता के जाना कमेंट्स पे। वैसे यार, आप लोग एक चीज़ देखे होगे, यहाँ पे शताब्दी एक्सप्रेस लिखा हुआ है। अब फिर से कुछ लोग बोलेंगे यार क्या करते हो तुम,
हमको उल्लू बनाते हो, चलाते हो चोलन एक्सप्रेस और लिखा होता है शताब्दी एक्सप्रेस। गाइस ये बात तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यार इस गेम पे ना सारे के सारे ट्रेन के कंसिस्ट अवेलेबल नहीं होते, तो यार बस एडजस्ट करके जुगाड़ किया जाता है कुछ कुछ ट्रेन का, तो नेम बोर्ड भी वहाँ पे अपडेटेड नहीं होते। खैर हमको तो उससे मतलब नहीं ना, हमको तो इस सर्विस को ड्राइव करने से मतलब है और इन्जॉयमेंट से मतलब है, तो देर किस बात की, हॉर्न बजा देते हैं और इन्जॉयमेंट का एक्शन को दुगना कर देते हैं। तो चलो गाइस अभी थोड़ा थोड़ा करके हम लोग थ्रॉटल को इंक्रीज करते हैं, वैसे स्पीड लिमिट तो 30 का मिल चुका है तो हल्का सा इंक्रीज कर सकते हैं, और शायद से सामने में ना कोई एक और स्टेशन आ रहा है, अब वो तो आगे जाकर ही पता चलेगा। वैसे कौन सा स्टेशन आता है यार, चटपट आता है क्या चेन्नई के बाद में, यार मेरे को याद नहीं, मैं काफ़ी दिन पहले खेला था। बाकी यहाँ पे लगता है कोई तो एक शंटिंग यार्ड सा है, यहाँ पे ढेर सारे ट्रेन्स के कोचेस को रखा गया है और यहाँ पे इनका धुलाई वगैरह का काम चल रहा है, कोचेस का केयर लिया जा रहा है यहाँ पे। और अभी हम लोग धीरे धीरे आगे तो बढ़ रहे हैं, वैसे सिग्नल हमको यहाँ पे येलो मिला था। एक सेकंड गाइस, हमारे राइट साइड के ट्रैक्स पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे सिग्नल डबल येलो हो चुका है, तो गाइस क्या किसी ट्रेन का क्रॉसिंग हम लोग को देखने को मिलने वाला है, दोबारा क्रॉसिंग नहीं मतलब पैरेलल रन देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं डबल येलो सिग्नल मिल चुका है ट्रैक्स पे, तो अब देखने वाली बात है, उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। चलो देखते हैं। वैसे यार इन दोनों हॉर्न्स में से कौन सा हॉर्न आपको सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है? बताओ यार कमेंट्स में बताओ। और बाकी यार काफ़ी दिन बाद आप सबसे बातचीत हो रही है, इतने दिन से ना आप सबकी बहुत ही ज़्यादा याद आ रही थी, और आज हम लोग आराम से बातें करेंगे और अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा वीडियो डालने की, क्योंकि यार अभी तो एग्ज़ाम्स का कोई टेंशन है नहीं ना। और ये देखो हमारे ट्रैक्स पर सिग्नल अभी ग्रीन मिला है और राइट साइड वाले ट्रैक्स पर सिग्नल अभी येलो है, देखते हैं कौन सा ट्रेन का क्रॉसिंग होता है। तो मैं कह रहा था ना सामने में कोई तो स्टेशन है, तो कौन सा स्टेशन है ये, चटपट। हाँ गाइस मैं बिल्कुल सही था, चटपट स्टेशन ही है। वाह यार देखो मेरे को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरे को याद रहेगा, मैं तो बस ऐसे ही गेस कर दिया, लेकिन चलो कोई नहीं हल्का फुल्का याद तो है। और यहाँ पे भी ढेर सारे पैसेंजर्स वगैरह वेट कर रहे हैं, एक काम करते हैं गाइस हम लोग ना थोड़ा अंदर में चलते हैं। बाकी यहाँ पे जो हमारा विंडशील्ड है ना ये काफ़ी यार पानी वानी से भर चुका है, एक काम करते हैं हम लोग वाइपर्स को ऑन कर देते हैं। अभी लग रहा है ना बिल्कुल साफ साफ, और अगर इसको और ज़्यादा साफ बनाना है तो ये जो वाइजर्स है ना, वाइजर्स के बच्चे को ऊपर कर दो यार, डल डल सा लुक आ रहा है तब से। अभी बिल्कुल सही लग रहा है, वाइजर्स को ऊपर करने के बाद में एकदम बिल्कुल क्लियर सा व्यू आ रहा है। और यहाँ से देखो यार राइट साइड के ट्रैक्स पे सिग्नल शायद से भी ग्रीन हो चुका है, बहुत जल्द गाइस हम लोगों को एक और एक्सक्लूसिव पैरेलल रन देखने को मिलने वाला है, तो गाइस बस आप लोग हो जाइए तैयार एंजॉय करने के लिए। फिलहाल हम लोग यहाँ पे कर्व से होते हुए जा रहे हैं और यहाँ का स्पीड लिमिट 40 है, और देखो मैं मजे से 56 पे भगा रहा हूँ। वाह यार एक काम करते हैं धीरे धीरे करके हम लोग ब्रेक्स को अप्लाई कर देते हैं ताकि हम लोग जल्द से जल्द स्पीड लिमिट के अंदर में आ जाए, क्योंकि इस कर्व है ना इस पर बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते, ऊपर से यार बारिश हो रही है और ये बिल्कुल रियलिस्टिक वाली गेम है गाइस, ऐसा नहीं कि MSTS के जैसा किसी भी स्पीड में भगाते जाओ कहीं से भी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, वैसा तो नहीं है ना। वैसे MSTS से याद आया, काफ़ी दिन से उसको भी ट्राई नहीं किया हूँ, तो उसको भी ट्राई करना चाहिए मेरे को, मैं बहुत जल्द ट्राई करूँगा, देखते हैं कब तक कोई नया एक्ट मैं प्रिपेयर कर पाता हूँ, तो उसको भी ज़रूर से ट्राई करेंगे। अच्छा ये कौन सा कोई एक रिवर है, इसमें क्या लिखा हुआ था मैं ढंग से पढ़ नहीं पाया गाइस, अगर आप लोग पढ़ पाए होंगे रिवर का नेम आप लोग बताना। नीचे में देखो रिवर बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कोम रिवर, कुवम रिवर है, तो कुवम रिवर को भी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, नीचे से एक हाईवे है। और ये देखो गाइस हमारे दूसरे डायरेक्शन से एक और लोकल ट्रेन का क्रॉसिंग हो रहा है, ये EMU ट्रेन है जो कि क्रॉसिंग हो रहा है, और पता नहीं यार अभी तक तो कोई ट्रेन आई नहीं मतलब जो कि हमारे साइड से क्रॉस करेगी। बाकी यार काफ़ी देर से ना 40 का स्पीड लिमिट पर हम लोगों को अटका के रखा है, तो मुंगमबक्कम स्टेशन है फिलहाल, इसको भी हम लोग स्किप कर रहे हैं। एक काम करते हैं मैं आपको रेल फैनिंग मोड से ना यहाँ से अच्छे से नज़ारा दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ गाइस। ये देखो यहाँ पे ना रेलिंग वगैरह लगा हुआ है ताकि कोई दिक्कत वगैरह आए नहीं, बाकी आप लोग यहाँ से थोड़ा क्रॉसिंग को एंजॉय कर लो, देख लीजिए क्रॉसिंग। वैसे एक चीज़ यार मैं ना हेडलाइट्स को ऑन करना भूल गया, क्योंकि यार बारिश का मौसम है ना, हेडलाइट्स नहीं तो कम से कम मार्कर लाइट्स को तो ऑन करना ही चाहिए। पूरी की पूरी LSB के अवतार में हमारी ट्रेन है जिसको लेकर अभी हम लोग गुजर रहे हैं स्टेशन से, और इसको आराम से जाने देते हैं, एक काम करते हैं हम लोग दोबारा से पकड़ लेते हैं ट्रेन को। वैसे अभी हम लोग कैब के अंदर में आ चुके हैं और यहाँ से जो हेडलाइट्स है ना
इसको ऑन करने का बंदोबस्त करते हैं। बाहर में चलो तो गाइस, देखते हैं ऑन हुआ है कि नहीं। तो पीछे में आ गए, अच्छा अभी देखते हैं। अरे यार ये तो रेड कलर वाले ऑन हो गए, गलत वाले ऑन कर दिए मैंने। मेरे को शायद से गाइस ये वाले नहीं, ये वाले ऑन करने चाहिए थे। अच्छा अभी एक काम करते हैं, इसको बीच पे रखते हैं और ज़रा देखते हैं सामने में जाकर कोई दिक्कत। हाँ गाइस अभी बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग एकदम। देखो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है कि आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है लोकोमोटिव हमारी। चलो चलते हैं अंदर में। और स्पीड लिमिट बढ़ा कि नहीं बढ़ा यार, अब तो यार दिमाग ख़राब हो रहा है कब से। देखो 40 का लिमिट नहीं नहीं चलो गाइस, 100 का लिमिट मिल चुका है। तो अभी आराम से स्पीड को हम लोग बढ़ाते हैं, पहले हॉर्न बजा देते हैं हम लोग। और अभी थ्रॉटल को यहाँ से देखो, पावर हैंडल जो लिखा हुआ है इसको इंक्रीज़ करते हैं। और हम लोग काफ़ी तेज़ी से अभी इंक्रीज़ करने वाले हैं स्पीड को। और सामने में कोई लेवल क्रॉसिंग है क्या? वैसे ये सिंबल किस चीज़ का है, लेवल क्रॉसिंग का ही है क्या? लेकिन मेरे को तो दिख रहा है सामने कोई तो स्टेशन है, और यहाँ से जो मुझे दिखाई दे रहा है ना कि ये कोई ट्रेन है जिसको कि हम लोग ओवरटेक मारने जा रहे हैं। वैसे मैं F6 को ऑन कर देता हूँ ताकि पता चल जाए कौन सा स्टेशन है। ये कोडामक्कम स्टेशन है, कोडामक्कम स्टेशन को हम लोग एकदम मज़े से स्किप कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम हाई स्पीड वाली हॉन्किंग एक्शन करते हुए। तो ये देखो गाइस ये कौन सा ट्रेन है, इस पर लिखा भी नहीं हुआ है, मेरे को लगा इस पर दिखेगा लेकिन कुछ लिखा नहीं हुआ है। फिलहाल हम लोग इस ट्रेन को ओवरटेक मार चुके हैं और हम लोगों को पूरा मिल चुका है यहाँ पे ग्रीन सिग्नल। तो चलो गाइस अभी आराम से हम लोग स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं, जल्द से जल्द 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक हम लोग पहुँचाते हैं ट्रेन को, क्योंकि मैं बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहता। मतलब जहाँ पे मेरा अगला हॉल्ट है वहाँ पे जाने के लिए मैं बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहता। एक बार मैं देख लेता हूँ कि कौन सा हॉल्ट अगला है हमारा। तो अगला हॉल्ट है हमारा तंबरम, तंबरम के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर शायद से हमारा अगला हॉल्ट है। तो वहाँ पे जाने का टाइम है 7:43 पे, और अभी कितना टाइम हो रहा है, अभी 7:25 हो रहा है। तो गाइस ज़्यादा देर बाकी नहीं है, बस कुछ ही देर की बात है। आप लोग ज़रा थोड़ा सा वेट कर लो, आप लोगों को अगला हॉल्ट का जो नज़ारा है वो भी देखने को मिल जाएगा। फिलहाल आप लोग EME का क्रॉसिंग देख लो, राइट साइड से देखिए एक और लोकल ट्रेन का क्रॉसिंग। काफ़ी शानदार वाला क्रॉसिंग है गाइस, वैसे हल्का फुल्का हैंग तो हो रहा है लेकिन आप लोग यार थोड़ा बहुत मैनेज कर लो। ये एक और स्टेशन है, पता नहीं कौन सा स्टेशन है, मैं नेम पढ़ पाऊंगा कि नहीं। नहीं गाइस मैं ढंग से नेम नहीं पढ़ पाया, वैसे कैसे, अगर आप लोग पढ़ पा रहे हैं नेम को तो बताना कमेंट्स पे। और हम लोग 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अचीव कर चुके हैं, तो इसीलिए मैंने थ्रॉटल को पूरा जीरो पे कर दिया है। मंबलम लिखा हुआ था क्या, शायद से गाइस मंबलम लिखा हुआ था। तो मंबलम स्टेशन को अभी हमने स्किप किया, लेकिन यार जो दुख वाली बात है ना वो ये है कि हमारे साइड से अभी तक कोई भी ट्रेन आकर पैरेलली क्रॉस नहीं की है, जबकि सिग्नल वहाँ पे मिल रहा था। पता नहीं यार हम लोग को तो ग्रीन ही मिला है, लेकिन यहाँ पे जो बारिश है ना वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है यार, आप लोग देख पा रहे हो क्या? मतलब अगर क्वालिटी आपका थोड़ा कमा होगा ना तो आप लोग समझ नहीं पाओगे बारिश को। कम से कम गाइस 480p में ज़रा देखने की कोशिश करना, तो आपको बिल्कुल अच्छे से रियल वाली एक्सपीरियंस आ जाएगी। वैसे कैसे यहाँ पे 120 का लिमिट मिल चुका है, तो फिर देर किस बात की, जल्दी से जल्दी 120 पे। और ये सईदापेट स्टेशन है, सईदापेट स्टेशन को भी हम लोग बिल्कुल मस्त तरीके से स्किप मार रहे हैं। आप लोग ज़रा यहाँ से एक बार क्रॉसिंग देख लीजिए, आपको यहाँ पे भी काफ़ी मज़ा आने वाला है। ये देखो गाइस क्रॉसिंग देख लो, कैसा लगा गाइस ये क्रॉसिंग? मेरे को तो बिल्कुल रियल वाली फील आ चुकी है गाइस, एकदम असली जैसा लगा मेरे को। वैसे ट्रेन हमारी छोटी नहीं है, काफ़ी लंबी ट्रेन है, हालांकि शॉर्ट डिस्टेंस वाली ट्रेन है लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा लंबी वाली ट्रेन है हमारी। वैसे हम लोग अभी पैसेंजर व्यू पे आ चुके हैं, और ये हम लोग इस साइड वाले नज़ारे पे आ चुके हैं। यहाँ से आप लोग ज़रा हाई स्पीड जो स्किप है ना उसको ज़रा इन्जॉय कीजिए। 110 तक हम लोग जल्द से जल्द लेके चलते हैं। देखो गाइस अभी भी हमारे राइट साइड में ना सिग्नल डबल येलो दिखा रहा है, लेकिन फिर भी किसी ट्रेन का यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्रॉसिंग। ये देखो यार कितना ज़्यादा शानदार सा नज़ारा लग रहा है यहाँ पे, और पूरा का पूरा ग्रीन सिग्नल मिला है हम लोगों को। और एक काम करते हैं गाइस, अभी टाइम हो रहा है 7:27, तो गाइस हम लोग 110 पे पहुँच चुके हैं। एक और लोकल ट्रेन का क्रॉसिंग सामने, मतलब वो ट्रेन बस डिपार्ट ही कर रही है स्टेशन से, आप लोग देख के पता लग रहा होगा आप लोगों को। गुंडी स्टेशन को कर रहे हैं स्किप, और ये लोकल ट्रेन यहाँ से बस डिपार्ट करने ही वाली है। और गाइस हम लोग इतने तेज़ी से जा रहे हैं ना, मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि पीछे वाली जो ट्रेन है, मतलब जिसके साथ में हमारा पैरेलल रन होने का चांसेस था, वो अभी बिल्कुल भी
होगा। बाकी आप लोग यहाँ से क्रॉसिंग देख लो यार, कितना मस्त सा क्रॉसिंग लग रहा है, एकदम असली जैसा फील आ रहा है गाइस। पूरा का पूरा ग्रीन सिग्नल मिला है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ना तो कोई ऑब्स्टेकल्स है हमारे रोड पे। और गाइस सामने में जाकर ना थोड़ा सा वेट करें क्या? मैं सोच रहा था गाइस कि हमको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। एक और ईएमयू ट्रेन आ चुकी है गाइस, आप लोग जरा गिनते जाओ यार कि कितने सारे ईएमयू ट्रेन आपको देखने को मिल रहे हैं आज के जर्नी पे। और वैसे तो सिटी वाले इलाके से अभी हम लोग होकर गुजर रहे हैं। हॉर्न सुनाई दे रहा है आपको? हल्का हल्का सुनाई दे रहा है। ट्रैक साउंड्स इतने गजब के आ रहे हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊं। आप लोग ऐसे देखते रहिए, बिल्कुल मस्त सा मज़ा आ रहा है और बहुत ही लाजवाब वाली फीलिंग आ रही है गाइस। एक और स्टेशन आने जा रहा है, इसका भी एक मस्त सा स्किप आप लोग देख लो, मज़ा आ जाएगा गाइस आपको। ऐसे रेनी वेदर पे हम लोग एक स्टेशन को स्किप कर रहे हैं, वो भी रियलिस्टिक तरीके से। अगर हॉर्न सुनाई देता ना तो और ज़्यादा मज़ा आता गाइस, क्या कहते हो? देखो यार पूरा रियलिस्टिक लग रहा है गाइस, आप ये फील देखो यार, नज़ारा देखो और इस नज़ारे का आनंद लो यार, पूरा रियलिस्टिक वाली फील आ रही है। वैसे यार ये पता नहीं रीजनल लैंग्वेज पे कुछ लिखा हुआ होगा, मेरे को तो आइडिया नहीं आखिर कि वो क्या है। अच्छा हम लोग इस साइड में कैसे आ गए? नहीं सही तो है, स्पीड लिमिट अभी भी 110 का ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं थोड़ा सा थ्रॉटल को इंक्रीज करता हूँ और हाई स्पीड वाला जो एक्शन है ना वो भी मैं आपको रेल फैनिंग वाले व्यू से ज़रूर से दिखाऊंगा। एक सेकंड रुक जाओ, दोबारा से 110 की स्पीड में पहुँचने दो। हेलो हेलो, आप लोग यार यहाँ पे कहाँ से आ गए? इतने रिस्की जगह पे पता नहीं ये लोग कहाँ से आ जाते हैं, आकर देखो वॉक कर रहे हैं। खैर जो भी हो, एक और स्टेशन जिससे कि अभी हम लोग स्किप मार रहे हैं, आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। और स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है हमारा। मैं आपको एक बार क्विक रेल पैनिंग मोड वाला व्यू से क्रॉसिंग दिखा देता हूँ, आप लोग ज़रा ऐसे क्रॉसिंग देख लो गाइस, मज़ा आ जाएगा आपको। लाजवाब क्रॉसिंग गाइस। वैसे गाइस जितना टाइम बीतता जा रहा है ना उतना जो आसमान है ना वो भी क्लियर होता जा रहा है, ऐसा देख के लग रहा है। लेकिन बारिश का जो स्पीड है ना वो बिल्कुल भी घटा नहीं है, मस्त बारिश तो चलता ही जा रहा है। वैसे हम लोग फिलहाल काफ़ी तेज़ी स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं और ये एक और स्टेशन आ चुका है। अरे यार नेम पढ़ना काफ़ी मुश्किल हो रहा है गाइस, नेम ही नहीं पढ़ पाया। और एक और लोकल ट्रेन का अराइवल हो चुका है स्टेशन पर। कितने सारे लोकल ट्रेन देखने को मिल रहे हैं, लोकल ट्रेन की कमी नहीं है यहाँ पे। ईएमयू ट्रेन ढेर सारे देखने को मिल जाएंगे अगर आप लोग इस साइड पे कभी जर्नी किए हो। वैसे बताना यार आप लोग इस साइड में कभी रियल वर्ल्ड पे जर्नी किए हो क्या? वैसे मैं तो यार बहुत पहले इस साइड पे आया हूँ। एक सेकंड, ये क्या है गाइस? क्या मस्त सा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में, ये पता नहीं क्या है, कोई फेमस सा स्पॉट लगता है। तिरुसुलम, तिरुसुलम स्टेशन को अभी हम लोग कर रहे हैं स्किप, एकदम मस्त मज़े से हॉर्न बजाते हुए स्किप कर रहे हैं। लेकिन एक सेकंड रुक जाओ गाइस, ट्रेन को आगे बढ़ने दो। स्पीड हमारा सही है ना? हाँ स्पीड बिल्कुल सही जा रहा है, इसको आगे बढ़ने दो। मैं तब तक ना ये देख के आता हूँ कि आखिर ये क्या है गाइस, कोई तो फेमस सा जगह है ये जो कि मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा आखिर ये क्या है। क्या है गाइस अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा आखिर ये है क्या। गाइस अगर आपको समझ में आया होगा कि आखिर है क्या मेरे को बताना कमेंट्स में, मुझे तो समझ में। पहले मेरे को देख के लगा कि ये एयरपोर्ट है। अच्छा इस साइड में माउंटेन भी था, मैं तो नोटिस नहीं किया। चलो ट्रेन को दोबारा से हम लोग पकड़ चुके हैं और यहाँ का सिग्नल हमारा अभी येल्लो दिखा रहा है गाइस, येल्लो है ना सिग्नल। तो यार यहाँ पे अभी येल्लो सिग्नल दिखा रहा था इसीलिए हम लोग ऑलरेडी ब्रेक्स को अप्लाई कर चुके हैं। अब अगला सिग्नल हमारा क्या है गाइस, एक बार देख के आते हैं अगला सिग्नल। अरे ये क्या, दोबारा से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है यार, बेकार में यार मैं ब्रेक्स को अप्लाई कर दिया और हमारा टाइम दोबारा से वेस्ट हो गया। देखो 7:32 ऑलरेडी हो चुके हैं और हमको तंबरम पे बहुत ही जल्द, मतलब 10 मिनट के अंदर में हमको पहुँचाना है तंबरम पे। कोई नहीं, पहुँचाते हैं तंबरम पे। वैसे इंटीरियर की अगर बात करें ना तो इसमें दूसरा कोई व्यूज़ मेरे को नज़र नहीं आ रहा है, बस ये डोर व्यूज़ ही मेरे को मिल रहे हैं, बाकी अंदर में तो हम लोग जा नहीं सकते। देखो यार जितना भी कोशिश कर लो अंदर में नहीं जा सकते। एक सेकंड यार ये देखो यार क्या मस्त सा हाईवे यहाँ पे बना हुआ है गाइस, ऐसे हाईवे देखकर ना यहाँ पे ड्राइव करने का मन करता है। अरे एक सेकंड, यहाँ पे अचानक से यार देखो गाड़ी वगैरह गायब भी हो रहे हैं, पता नहीं यार। खैर जो भी हो, हम लोग गाइस अभी बहुत जल्द पहुँच जाएंगे तंबरम स्टेशन पे। फिलहाल तो हम लोग स्किप कर रहे हैं स्टेशन को और ये पीछे वाले स्टेशन का नज़ारा फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ। और क्या मस्त नज़ारा है गाइस, देखो स्टेशन के पास में सुंदर सा माउंटेन है, उसके ऊपर से एक मस्त सा हाईवे भी जा रही है, काफ़ी प्यारा और ब्यूटीफुल सा नज़ारा है। चलो तो सामने के साइड में भागते हैं अब।
सर पैरेलल रन तो मैं आपको दिखा नहीं पाया, बहुत दुख की बात है। दोबारा से सिग्नल हमको ग्रीन मिल चुका है, तो चलो यार देर किस बात की, अभी हम लोग जल्दी से थ्रॉटल के पावर को करते हैं पूरा 100% पे, ताकि जल्द से जल्द हम लोग 110 की स्पीड को अचीव कर ले। वैसे यार यहाँ का स्पीड कितना हो रहा है हमारा, 67 का हो रहा है, और इंजन आरपीएम कितना जा रहा है, देखो इंजन आरपीएम मैं देखता हूँ कितना देर तक, मतलब कितना दूर तक जा सकता है मैं देखता हूँ, फुल आरपीएम पे लगा दिया हूँ ना मैं, उसका कितना आरपीएम है अभी वही मैं देखना चाहता हूँ। कैसे आपको दिखाई दे रहा है, अभी 880 आरपीएम पे जा रहे हैं हम लोग, और इंजन टेम्परेचर है 80 डिग्री, फैन वन हाफ चल रहा है, फैन टू भी हाफ चल रहा है, खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इन लोगों को चलने देते हैं। और देखो यार विंडशील्ड देखो हमारा पूरा पानी से भर चुका है, जल्दी से वाइपर्स ऑन करो इससे पहले कोई एक्सीडेंट हो जाए। हाँ देखो वाइपर्स ऑन करते कितना क्लियर नज़ारा हो गया, और यहाँ से नज़ारा देखो गाइस एकदम रियल वाली फील आ रही है। मैं दोबारा से आपको लेके चलता हूँ पैसेंजर वाले व्यू पे, कि यहाँ से काफ़ी मस्त नज़ारा आएगा। तो गाइस क्रॉम्पेट स्टेशन को भी हम लोग करने जा रहे हैं स्किप, बिल्कुल रियल वाली फील आ रही है स्किप करने में स्टेशन को। मैं थोड़ा जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। चलो यार यहाँ का तो काम हो चुका है तमाम, और अगला स्टेशन आने में ऑलमोस्ट यार 2 किलोमीटर के आसपास बचा होगा, 2 नहीं 2.5 से 3 किलोमीटर के आसपास बचा होगा, मैं देख लेता हूँ। हाँ गाइस 2.8 किलोमीटर दिखा रहे, तो बहुत ही जल्द हम लोग बस पहुँचने वाले हैं गाइस अगले हॉल्ट तक। और अभी भी देखो यार राइट साइड के ट्रैक पर सिग्नल येलो दिखा रहा है। गाइस मुझे तो लगता है कोई ना कोई लोकल ट्रेन ही होगी, जहाँ तक मेरे को लगता है शायद से कोई ना कोई लोकल ट्रेन ही होगी जो कि आ रही है हम लोग के साथ में पैरेलल रन करने के लिए। एक और स्टेशन यार इतने स्पीड में ना नेम पढ़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल वाला काम हो रहा है गाइस। अरे थोड़ा दूर होकर खड़े हो जा, देखो यार कितने खतरनाक तरीके से ये लोग ट्रेन के साथ में चिपक कर खड़े हुए थे। तो ये देखो यार कर पे एक और बार नज़ारा देख लो यार, कर के नज़ारे का ना एक अलग ही फील आता है गाइस, क्या कहते हो। मैं थोड़ा इस साइड से भी आपको दिखा देता हूँ नज़ारा, ये देखो एक और ट्रेन यहाँ पे रुकी हुई है, पता नहीं कौन सा ट्रेन, इसका शंटिंग वगैरह चल रहा होगा, लोकोमोटिव और कोचेस दोनों अलग किए हुए हैं, शायद से शंटिंग वगैरह चल रहा होगा यहाँ पे, हो सकता है। गाइस जो बारिश है ना बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रही है, और देखते ही देखते हम लोग फाइनली अराइव कर चुके हैं तंबरम स्टेशन पे। और तंबरम स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर कौन से पे दिया गया, 7 नंबर पे देना था ना, हाँ शायद से 7 नंबर पे दिया है गाइस। ब्रेक्स को तो हम लोग अभी फिलहाल अप्लाई कर ही चुके हैं पूरा का पूरा, और बस कुछ ही देर में रोक देंगे ट्रेन को। एक काम करते हैं मैं सीधा आ जाता हूँ पैसेंजर वाले व्यू पे, बस अभी हम लोग रोकने वाले ट्रेन को यहाँ पे। तो चलो गाइस फाइनली तंबरम स्टेशन पे हम लोग अराइव कर चुके हैं हमारे चोलम एक्सप्रेस के साथ में। और एक काम करते हैं यहाँ पे दरवाज़ा ओपन कर देते हैं, दरवाज़ा कहाँ गया ये रहा। अरे यार ये नहीं खुलती है, क्या दिक्कत वाली बात है यार, पता नहीं कभी कभार ये बग आ जाता है कि हर बार काम नहीं करता है। वैसे तो यार हम लोग बिल्कुल सही जगह पे रुके हुए हैं, डिपार्ट आफ्टर 7:45। एक काम करते हैं पहले हम लोग सेव कर लेते हैं यहाँ पे, और 7:45 के बाद में हम लोग को यहाँ से डिपार्ट करने का इंस्ट्रक्शन दिया गया है 44 गेमिंग भाई की तरफ से। वैसे गाइस ये लुक काफ़ी मस्त लग रहा है गाइस, आप लोग देखो यार क्या शानदार लग रहा है ना हमारा ट्रेन, देखो देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारा और मस्त सा लग रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है माइटी कोई बीस्ट है। वैसे उस साइड में ना एक और लोकल ट्रेन अराइव कर रही है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। अभी कितना वक्त हो रहा है, अभी 7:30, मतलब बहुत ज़्यादा वक्त बाकी है गाइस डिपार्ट करने में, लेकिन यार ये लुक मेरे को काफ़ी शानदार लग रहा है और मस्त सा लग रहा है गाइस। आपका क्या कहना है गाइस इस बारे में, इस लुक के बारे में, इस लुक के लिए एक लाइक टोकना तो बनता ही है गाइस, एक लाइक टोक के ज़रूर से जाना। वाइपर्स को फिलहाल हम लोग ऑफ रखते हैं, क्योंकि जब दोबारा डिपार्ट करेंगे ना यहाँ से तब दोबारा से हम लोग ऑन कर देंगे वाइपर्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यार ये व्यू काफी कमाल का लग रहा है, क्या कहते हो। तो गाइस अगर बात करें उस साइड में तो एक और ट्रेन यहाँ पे रुकी हुई है, मेरे को कोई आइडिया नहीं आखिर कौन सा ट्रेन है, हालांकि मैं F6 को तो ऑन ही करके रखा हूँ। हाँ ये देखो 12651 तमिलनाडु संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, अच्छा ये बात है तमिलनाडु संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, जिसको कि अभी रोक के रखा गया तंबरम पे, रोक के नहीं रखा गया मतलब इसका अभी शायद से डिपार्चर का वक्त नहीं हुआ है इसलिए ये रुकी हुई है। देखो यार येलो सिग्नल तो इसको मिल चुका है ऑलरेडी, लेकिन ये डिपार्ट नहीं कर रही, शायद से इसका वेटिंग का टाइम भी ख़त्म नहीं हुआ है। खैर जो भी हो हमको तो फिलहाल उससे कोई मतलब नहीं, हम लोग टाइम पर अराइव करवा चुके हैं हमारी ट्रेन को, ये बहुत ही बड़ी बात है गाइस हमारे लिए। तो 7:43 पे यहाँ पे आना था हम लोग
बहुत ही ज़्यादा एडवांस आ चुके हैं। हालांकि हम लोग 2 मिनट लेट डिपार्ट कर रहे थे चेन्नई एग्मोर से, खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइस एक काम करते हैं, हम लोग पीछे ना तब तक गार्ड व्यू को भी देख के आते हैं। वैसे ये हम लोग पीछे के साइड में आ चुके हैं, और अगर बात करें इस साइड के व्यू की तो यहाँ भी तो गार्ड वाला कोच है, गार्ड और जनरेटर कार वाला कोच। वैसे आजकल के दिन में ना जनरेटर कार ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहे, मतलब एक ट्रेन पे पहले पहले दो दो जनरेटर कार का इस्तेमाल होते थे, और अभी आप लोग देखे होंगे कि एक ही जनरेटर कार का इस्तेमाल होता है। और वो देखो गाइस, वो जो ट्रेन है उसका डिपार्चर का वक्त भी हो चुका है, वो डिपार्ट भी कर रही है। हॉर्न भी आप लोग सुनाई दिया होगा, आप लोग को गाइस हॉर्न सुनाई दिया होगा ना, मेरे को तो बहुत अच्छे से सुनाई दिया था। देखो यार उसका डिपार्चर भी देख लो, क्या मस्त सिनेरियो बनाया है गाइस 44 गेमिंग भाई ने। क्योंकि देखो यार यहाँ पे जैसे हम लोग डिपार्ट करके अभी थोड़ी देर पे वेट ही कर रहे थे, तुरंत बाद ना एक लोकल ट्रेन अराइव करती है स्टेशन पे, और उससे कुछ ही देर बाद संपर्क क्रांति एक्सप्रेस भी डिपार्ट करती है स्टेशन से। यार काफ़ी मस्त सा सिनेरियो डिज़ाइन किया है यार, मेरे को तो बिल्कुल मन है कि मैं आगे का सिनेरियो भी कंटिन्यू करूं यार, उसमें भी बहुत मज़ा आएगा। बाकी यार ये वाला जो स्टेशन का शेड है ना, प्लेटफॉर्म शेड, ये काफ़ी मॉडर्न टाइप का लग रहा है। देखो लाइट्स भी यहाँ पे मॉडर्न टाइप के लगे हुए हैं। फिलहाल तो काफ़ी तेज़ी से वो ट्रेन डिपार्ट करते हुए आगे चली गई। खैर जो भी हो, अभी तो फिलहाल हम लोग को यहाँ पे काफ़ी देर तक रुकना है ट्रेन को तम्बरम स्टेशन पे। बाकी देखते हैं कब तक हम लोग डिपार्ट करेंगे। वैसे 45 से पहले डिपार्ट करने को बोला भी नहीं हम लोग को, 45 के बाद ही डिपार्ट करना है हम लोगों को इस ट्रेन को लेकर। तब तक थोड़ा वेट करते हैं, वैसे ज़्यादा वक्त बाकी भी नहीं है गाइस। जो भी हो, यहाँ तक ये जर्नी कैसा लगा आप सभी को कमेंट्स में ज़रूर से बताना हमको। यहाँ पे देखो सिग्नल भी मिल चुका है आगे जाने के लिए, और अगर आपको ये जर्नी पसंद आया होगा तो यार एक लाइक ज़रूर से ठोक के जाना। और हाँ गाइस, अगर आप लोग यहाँ पे पहली बार एंट्री मारे हो तो यार सब्सक्राइब जरूर से करके जाना, क्योंकि आपको यहाँ पे इसी तरीके के ढेर सारे वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। और गाइस इसका पार्ट 2 भी हम लोग बहुत ही जल्द खेलने वाले हैं। तो ओके गाइस, फिलहाल आपसे मिलते हैं ऐसे ही किसी और अगले जर्नी के साथ में। तो तब तक के लिए सायनारा और बाय।